अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, क्लाइमेट और वेदर के बारे में। आप जो पिछले वीडियोस थे उसके अंदर आप समझ चुके होंगे, ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी चलो एक बार को बता देते हैं कि जो वेदर होता है वो मतलब एक दिन में कितनी बार भी चेंज हो सकता है। मीन्स टू से सुबह जैसे कि अभी बहुत ज्यादा गर्म मौसम है, ठीक है, तो शाम में हो सकता है कि बारिश हो, है ना, और मौसम अच्छा हो जाए। तो ये जो है ये वेदर होता है, ठीक है। वेदर जो है वो दिन में मतलब चेंज होता रहता है, लेकिन जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो लगभग एक जगह पर 30 to 40 years तक जो सेम बनी रहती है वो क्लाइमेट होती है आपके, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया, अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, इंडिया में भी। क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एक लार्ज एरिया में बहुत लंबे पीरियड तक, बहुत लंबे समय तक जब एक ही तरह का वेदर होता है तो वहाँ पे वेरिएशन इन क्लाइमेट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्लाइमेट होता है। इट एक्सपीरियंसेस ग्रेट वेरिएशन इन इंडिया, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे कि आप अगर राजस्थान में चले जाएं, है ना, तो अलग स्टेट है ये, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म मौसम होगा जैसे, है ना। अब जैसे दार्जिलिंग में चले जाएं या फिर ऊटी चले जाएं, शिमला चले जाएं, तो वहाँ पे मौसम क्या होता है, ठंडा ही रहता है मोस्टली, है ना। तो वो जो क्लाइमेट कंडीशन है वो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है लू चलती है हमेशा, तो वो जो है वो अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट है वो होता है। सम प्लेसेस आर एक्सट्रीमली हॉट, कुछ जो प्लेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, वाइल सम आर वेरी कोल्ड, जबकि कुछ जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। कोस्टल एरियाज हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट एंड देयर इज अ लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन समर एंड विंटर। तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, तटीय जो एरिया होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है वहाँ पे। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर, वहाँ पे मतलब बिल्कुल ऐसा रहता है कि ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और फिर समर और विंटर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, प्लेसेस सिचुएशन फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, ठीक है। द एनुअल रेनफॉल इन, जैसे कि मेवासराम है, ठीक है, मेघालय में जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, है ना, साल में, संसार का सबसे जो ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वाइल सम प्लेसेस द थार डेजर्ट रिमेन्स एक्सट्रीमली ड्राई, तो थार डेजर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं। तो दीज रीजंस डिफरेंसेस अकर ड्यू टू द वास्ट लेटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड वेराइड लैंडफॉर्म फीचर्स प्रेजेंट हियर। इन स्पाइट ऑफ दीज डाइवर्सिटीज, मतलब इन डाइवर्सिटीज के बावजूद, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। द टर्म मॉनसून हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है। तो ये जो टर्म है मॉनसून, ये अरेबिक वर्ड है मौसम से निकला है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। तो द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर, दो फीचर्स होते हैं, ठीक है, कौन किसके, क्लाइमेट के, हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर, हाई टेम्परेचर जो होता है वो लगभग पूरे साल रहता है, और ड्राई विंटर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट मतलब हिस्सों में देश के ड्राई विंटर रहता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया लाइज बिटवीन 8 degrees नॉर्थ एंड 37 degrees नॉर्थ लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, वाइल द साउदर्न जो पार्ट होता है लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, जो कि साउदर्न पार्ट होता है वो कहाँ पे, ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट जो है वो फॉल इन द सब ट्रॉपिकल जोन, एज सच द टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट हाई ड्यूरिंग द समर सीजन, इसीलिए जो टेम्परेचर होता है वो मतलब हाई होता है समर सीजन में ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में लगभग सारे उसमें देश में, एक्सेप्ट इन द एरियाज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, जहाँ पे मतलब हाई ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है, उसको केवल उसके अलावा मतलब उसे छोड़ के, बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन विंटर के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे टेम्परेचर जो होता है फॉल कंसिडरेबली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिकॉर्ड बिलो ब्रीजिंग पॉइंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज बेल्ट। However, फिर भी इट इज लो टू मॉडरेट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये मॉडरेट होता है, लो टू मॉडरेट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब जितने भी बचे हुए जो भाग होते हैं उसमें ये होता है। Thus,
इंडिया बाय द लार्ज इंजॉयज अ हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आप देखिए ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा ऑल्टीट्यूड या लॉन्गिट्यूड, जैसे कि ये हमारा होता है सर्कल, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये जो होता है ये लॉन्गिट्यूड होता है और ये वाली जो रेखा होती है वो लैटिट्यूड वाली होती है। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने आपको पिछले वीडियोस में है वो समझाया हुआ है, क्लैरिफाई किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड होता है एक मेजरिंग करने का, मतलब हाई उस पर जब हम मेजर करते हैं ना वर्टिकल शेप में, तो वो होता है हमारा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, प्लेस इन माउंटेन्स आर कोल्डर दैन प्लेस इन द प्लेन। As for instance, Shimla and Ludhiana are situated in the same latitude. Shimla और Ludhiana जो है वो same latitude में है, तो yet Shimla being located at higher altitude has a cooler climate. तो ये higher altitude में होता है इसलिए ये cool climate होता है यहाँ पे। The northern belt of mountains has cold climate all through the year because of high altitude. Next है देखिए Himalayan mountain, तो द हिमालयाज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॉपिक क्लाइमेट ऑफ माउंटेन। ट्रॉपिक जो क्लाइमेट होता है इंडिया का वो हिमालय रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए भी। तो देखिए दिस हाई एंड एक्सटेंसिव जो माउंटेन्स होता है सिस्टम प्रोटेक्ट्स इंडिया, ये जो एक्सटेंसिव जो माउंटेन होता है हाई, ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, फ्रॉम द कोल्ड विंड ऑफ द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ से जो कोल्ड विंड आती है ठंडी हवाएं आती है उससे भारत को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे द हिमालयाज एब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स देयर बाय कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन द साउथर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अब देखिए प्रिवेलिंग विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती हैं, अ कॉन्स्टेंट कूल विंड वुड मेक द एयर कूलर। जो कॉन्स्टेंटली जो कूल जो विंड चलती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं लगातार, तो वो क्या करती है एयर को कूल बना देती है, मतलब हवा को ठंडी बना देती है। एंड अ हॉट विंड वुड मेक इट वार्मर, और आपको पता है कि जब गर्म हवा चलेगी तो वो क्या बना देगी, गर्म बना देगी, है ना। तो द मॉनसून इज अ सीजनल विंड विच ब्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन इन अ सीजन। तो मॉनसून जो है वो एक सीजनल विंड होती है विच जो कि ब्लो होती है कहाँ पे, फिक्स डायरेक्शन में सीजन में। अपार्ट फ्रॉम द मॉनसून विंड के अलावा द विंड्स ब्लोइंग इन द फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग, तो जो विंड है जो ब्लो कर रही है नॉर्थ वेस्ट से, मतलब ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स सर्दी के टाइम पे, ब्रिंग्स कोल्ड वेव्स टू नॉर्दर्न इंडिया। वो क्या लाती है, कोल्ड वेव्स लाती है, मतलब जो है ठंडी लहरें लाती है नॉर्दर्न इंडिया में। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन एंड सी, तो इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन एज इट्स सराउंडेड बाय द सीज एंड थ्री साइड। तो इंडिया जो है वो आपको पता है कि सी से घिरा हुआ है और थ्री साइड से, मतलब सी से घिरा हुआ है। तो द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो अरेबियन सी है और बंगाल की खाड़ी है बे ऑफ बंगाल, हैव द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे मॉडरेट जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव डालती है ये किस पे, क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज पे, जो कोस्टल एरियाज होते हैं तटीय मैदान होते हैं वहाँ का क्लाइमेट पे उसका ये प्रभाव डालती है। Places away from the ocean and sea have extreme temperature and continental climate. तो जो places दूर होते हैं from the ocean, ocean से sea have extreme temperature, तो उनका जो sea का होता है extreme तरह का temperature होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो this continental type of climate is characterized by the hot summer and cold winter. तो ये इसे आप characterize कर सकते हैं कैसे, hot summer में और cold winter में। तो the effect of water bodies on the temperature of this area is moderate. तो जो effect होता है, प्रभाव होता है इन water bodies का temperature पर, तो क्या होता है कि यहाँ पे some, मतलब moderate तरह का एक climate होता है। अब देखिए the cycle of season, ये बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने देखिए इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ाए हम, ठीक है, और जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये अच्छे से करें और अपने पेपर की तैयारी करें, जो भी आपके मंथली टेस्ट आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसमें तो ज्योग्राफी के केवल 3 चैप्टर आएंगे, है ना। और किसमें से आएगा, उसमें आप सारा याद करेंगे जितना भी करवाया हुआ है ना, कंटेंट तो आप याद करेंगे, बाकी सब भी आपको याद करना है। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।